नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। राम ने वन के लिए प्रस्थान कर दिया अयोध्या वासियों को पीछे छोड़ करके, और चुपचाप राम वहां से निकल गए। रास्ते में जो लोग मिलते जा रहे हैं वो भी राम को कहते हैं कि हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन अपने कर्मों का फल व्यक्ति को स्वयं ही भोगना होता है। इसमें किसी को भागीदार नहीं बनाया जा सकता। और जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसी स्थिति में आता है तो वो जो करता है उसका परिणाम बहुतों को भोगना पड़ता है। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, प्रशांत गीतोत्सव नृत्य वादना ये पात हर्षा पिहता पणोदया तदा ही अयोध्या नगरी बभूवसा महर्णवहा संक्ष पितोदको यथा। भाई गीत नृत्य उत्सव सब बंद हो गए हैं। अरे यहां तक कि लोग बाग अपनी दुकानें भी नहीं खोलते हैं, दुकानें भी लोगों ने बंद कर दी हैं। धंधा व्यापार सब कुछ चौपट हो गया है। ऐसा होता है जब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ कुछ ना घटित जैसा घटित होता है। इधर राम आगे बढ़ते हुए और उनका रथ चला जा रहा है। रामोपि रात्रि शेषेण तेनैव महदंतरम जगाम पुरुष व्याघ्र पितुराज्ञा अनुस्मरण। उनके मन में तो एक ही बात है कि पिता की आज्ञा का पालन करना है, और इसको याद करते हुए चले जा रहे हैं। रास्ते में जो भी स्थान नगर गांव पुर आ रहे हैं वहां के सभी लोग तरह तरह से, कोई राम की प्रशंसा करता है, कोई महाराज दशरथ की निंदा करता है, कोई केकेयी की निंदा करता है, कोई सीता की सुकुमारता का वर्णन करते हैं। कथम नाम महाभागा सीता जनक नंदिनी सदा सुखेसु भीरता दुखान अनुभविष्यति। अरे भाई कैसे ये दुख बर्दाश्त करेगी जो जनक नंदिनी है सीता, जिसने हमेशा सुखी भोगे हैं। अहो दशरथो राजा निस्नेहा स्वसुतम प्रति। दशरथ महाराज अपने बेटे के प्रति बड़े ही निस्नेह, जिनमें किसी प्रकार का प्रेम ही नहीं है, इस प्रकार के निकले। इस तरह से तरह तरह की बातें हो रही हैं, और उन सब के बीच राम आगे बढ़ते चले जाते हैं। गोमतीम चाप्यति क्रम्य, गोमती नदी को पार किया है। सा महिम मनुना रागना दत्ता मिक्षा कवि पुरा स्फीताम राष्ट्रावृता राम वैदे ही अनुदर्शयत। राम ने वो पूरा प्रदेश दिखाया जो महाराज मनु ने राजा इक्ष्वाकु को ये पूरा प्रदेश दिया था कि भाई यहाँ के राजा आप हो। तो राम वो सारी भूमि सीता को दिखाते जा रहे हैं। अभी अयोध्या की सीमाएं समाप्त नहीं हुई हैं, अभी राम का रथ अयोध्या की सीमाओं में ही चल रहा है। फिर कदाहम पुनरागम्य सर्व्याम पुष्पिते बने। देखिए राम जा रहे हैं, अयोध्या छोड़ने का दुख तो होगा, पिता की आज्ञा का पालन करना है वो अपनी जगह है, लेकिन राम निर्मोही तो नहीं हो सकते हैं ना। तो सारथी से कहते हैं कि अब कब मैं वापस आऊंगा, और कब इस सरयू के किनारे के इस वन में मुझे शिकार खेलने का मौका मिलेगा। वैसे राम को शिकार का शौक नहीं है, वो ये भी बात वाल्मीकि यहां स्पष्ट करते हैं, राजर्षि नाम ही लोकेस्मिन अत्यर्थम मृग्या बने काले वृतामताम अनुजयी धनुनाम अभिकांक्षिता। भाई राजा लोग इसको बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। देखिए आप याद करें तो अभिज्ञान शाकुंतल में महाकवि कालिदास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति शिकार करने जाता है ना, तो किसी खड़ी चीज पे निशाना नहीं लगाना है, हैं? और वो सीधे रास्ते पे उनका रथ नहीं चलता, ऊंचे नीचे रास्तों पे रथ चलेगा, घोड़े दौड़ रहे हैं, दौड़ते शिकार को निशाना लगाना है। इस प्रकार से बड़ी ही अच्छी प्रैक्टिस होती है शिकारियों शिकार के नाम पे, तो राजाओं के लिए बड़ा ही योग्य है। यहां आकर के राम के मन में से एक बार वाल्मीकि ने यह भाव व्यक्त किया है कि वो कहते हैं कि कब दोबारा से यहां आकर के और फिर से मैं इस अयोध्या के दर्शन करूंगा। रामचंद्र सूत सुमंत्र के साथ बात करते जा रहे हैं, और उनका व्रत आगे बढ़ता चला जा रहा है।
विशालान कोशलान रम्यान यात्वा लक्ष्मण पूर्वजा अयोध्या विमुखो धीमान प्रांजलि वाक्य मित। उस विशाला नगरी के पास पहुंच करके जो कौशल देश के उत्तर भाग में स्थित है, कौशल देश की सीमा यानी अयोध्या की सीमा वहाँ पूरी होती हैं। आप छेत्वाम पुरी श्रेष्ठ काकुत्स परिपालित देवितानि चयानि त्वाम पालयन्त्या वसन्ति च राम। हाथ जोड़ के अयोध्या नगरी को प्रणाम करते हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीश। महर्षि वाल्मीकि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, प्रांजलि वाक्यम अप्रवीत, हाथ जोड़ के अयोध्या भी मुखो राम, अयोध्या की तरफ मुख करके राम और प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि देवता भी जहां निवास करने की अपेक्षा रखते हैं, ऐसे ककुत्स की कुल में उत्पन्न राजाओं के द्वारा पालित ही नगरी में आपसे पूछ रहा हूं। निवृत्त वनवासस्त्वाम अन्द्रुणो जगति पति पुनर्द्रुक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः। क्या ये संभव है कि जब मैं अयोध्या वापस आऊं तो मेरे माता और मेरे पिता के साथ मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा, जैसे कि अयोध्या नगरी को राजा कोई भी, भूमि का अपना एक सत्व होता है, भूमि की अपनी एक शक्ति होती है, हम भारत माता कहते हैं। क्या है ये? तेज है, एक सत्व है, एक प्रकाश पुंज है, वही राम को महसूस होता है और राम कहते हैं क्या ये संभव होगा। इस प्रकार से अयोध्या की सीमाओं से निकल के और राम जो हैं आगे प्रस्थान करते हैं। गंगा नदी का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ महर्षि वाल्मीकि ने किया है कि किस प्रकार से विष्णु के पैरों से निकली हुई, शिव की जटाओं से होती हुई ये गंगा जो यहाँ त्रिपथगा गंगा बह रही है, भगीरथ जिनको इस पृथ्वी पर लाए हैं, इस गंगा के किनारे राम एक इंगुदी का वृक्ष उनको दिखाई देता है। अभिदूरादयम नद्या बहुपुष्प प्रवालवान सुमहान इंगुदी वृक्षो बसामौ अत्रैव सारथे। राम कहते हैं कि भाई यहाँ नदी के किनारे खूब पुष्प और सारी चीजें हैं, बहुत ही सुंदर ये जगह है, तो इंगुदी वृक्षो बसामो अत्रैव सारथे, ये सारथी आज हम यहीं इसी वृक्ष के नीचे रुकेंगे। द्रक्ष्यामः सरिताम श्रेष्ठाम सम्मान्य सलिलाम शिवाम देव दानव गंधर्व मृग मानुष पक्षिणाम। और आज यहीं इसी गंगा के नीर का आनंद लेना है, इसके दर्शन करने हैं, इसी का सेवन करना है जो देव दानव गंधर्व प्राणी और मनुष्य पक्षी सबके द्वारा जैसे जो सेवित है, ऐसी शिवाम कल्याणकारिणी इस गंगा के। वृक्ष मूलगतम रामो उपतस्थे कृतांजलि। और राम जहाँ वृक्ष की जड़ के पास जाकर के बैठ गए हैं, वहाँ हाथ जोड़ के सुमंत्र खड़े हो जाते हैं, जिसका उल्लेख यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि ने किया है। धन्यवाद। आगे की कथा अगले वीडियो में। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।